यही वो गागर नदी है जिसने हमारे पंजाब में दर्शन कर सकते जो रहमतुल्लाह परवरदिगार के सच्ची दर। तो दोस्तों अभी फाइनली अभी हम चल चुके हैं अपने हरियाणा पंजाब बॉर्डर की तरफ से, जो कि हम आए थे इधर बेरसा, जहाँ पर यक्ष स्थापित थे, इसका नाम था अरंतुक। और अभी चल रहे अपनी एक आगे के भ्रमण के लिए, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। हाँ दोस्तों, कृपया भाई को सपोर्ट जरूर करो दोस्तों, आपका ही आशीर्वाद जो हमें आगे तक लेके जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने रास्ता है हमारे लिए बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ, और हम निकल आए इधर से शॉर्ट के चक्कर में, लेकिन लेने के देने पड़ गए आज तो हमें शॉर्ट के चक्कर में। और यहाँ ग्रामवासी बता रहे थे कि भैया गाँव प्रभात के अंदर जिस टाइप ये कुछ दिन पहले बाढ़ आई हुई थी, इधर पानी भरा हुआ था, तो हमने यहीं से निकाल लिए महादेव का नाम लेके। देखो आगे क्या होता है, वीडियो में बने रहिए अंत तक दोस्तों। देखते दोस्तों जो कि कुछ दिन पहले हमारे हरियाणा पंजाब में जो कि बाढ़ आई हुई थी, यही वो गागर नदी है जिसने हमारे पंजाब में और हरियाणा में बाढ़ का जरिया बनी थी। तो दोस्तों जो बताया जाता कि यहाँ ऊपर तक वहाँ तक पानी भरा हुआ था, और अब ये चल रही है दोस्तों, क्योंकि मैं करा रहा हूँ आपको अपनी हरियाणा की संस्कृति से रूबरू। तो दोस्तों कृपया भाई को सपोर्ट करें। तो फाइनली अभी हम आ चुके अपनी एक और नई लोकेशन पर, जो कि हम करवा रहे हैं आपको हरियाणा भ्रमण यात्रा। तो उसमें आज हम आए जो कि हमारे जो कि हरियाणा राज्य के जिला कैथल के गांव कोलड़ में, और तो अभी करवाते उस प्राचीन श्री नौ गजा पीर के दर्शन। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और मैं हूँ आपका भाई मिस्टर अजीत सिंह नरवाल। तो करते रहिए हमारी वीडियो का नज़ारा बाबा के दरगाह के साथ, बहुत सच्चे दरबार। हम गांव कोलड़ जो कि जिला कैथल का स्थान है, बाबा सहनसा नौ गजा पीर, तो इनका और प्रवेश द्वार। तो भी चल के कराते हैं आपको अंदर उस भव्य दरबार के दर्शन। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ वीडियो में, कृपया वीडियो पसंद तो एक भाई को एक लाइक जरूर करें। बहुत सच्चे दरबार जी कर सकते जो श्री बाबा सहनसा नौगजा पीर के प्रांगण के, तो भी करवाते उस प्राचीन दरगाह के दर्शन। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ वीडियो में, बोल सच्चे दरबार की। तो अभी आप दर्शन कर सकते जो हमारे बाबा श्री सहनसा नौगजा पीर के बार का ये प्रवेश द्वार, तो भी करवाते आपको अंदर चल के उस चमत्कारी बाबा की दरगाह के दर्शन। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ वीडियो में, और बाबा के चरणों में हाजिरी लगाए और अपने मन की मनोकामना पूर्ण करे। बोल सच्चे दरबार की दीदार कर सकते उस अल्लाह ताला रहमतुल्लाह परवरदिगार के सच्ची दरगाह के, और रहमतुल्लाह सब पे निगाह करम बख्शे अतीता फरमाए, क्योंकि निगाह करम जिस पे बख्शते है वो एक ही परवरदिगार है, जो कि हम राम कहे रहीम करे अल्लाह कहे या गुरु गोरखनाथ या गुरु गोविंद सिंह जी कहें गुरु नानक साहब कहे, वो सभी एक है दोस्तों, क्योंकि इनके रास्ते अलग अलग हैं लेकिन ये शक्ति एक है। तो इसलिए हम आपके लेके आते हैं हमारे साथ हरियाणा भ्रमण यात्रा में, जो हमारी हरियाणा संस्कृति रिलेटेड जो कि हरियाणा साइकिल यात्रा से। तो कर रहे हैं अभी आप इस प्राचीन दरगाह के दर्शन। तो अभी अंदर का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों, कितना पावन दृश्य है। अगर आपके भी जीवन में कोई कठिनाई हो, कोई मुसीबत हो, तो बाबा के चरणों में वीडियो के द्वारा हाजिरी लगवाएं और अपने जीवन में खुशहाली लेके आए। बोल सच्चे दरबार की जय। सकी सरवर लाला वाला पीर निगाह करम लगदाता मुंडाल वाले, उनका ये चिराग लगाए जाते हैं। तो अभी करवाते हैं उनकी प्राचीन दरगाह के दर्शन। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ वीडियो में, बोल सच्चे दरबार की। दोस्तों सामने जो हमारे सकी सरवर लाला वाले पीर, सकी सरवर सुल्तान पीर, जो कि निगाह करम पाकिस्तान के अंदर जिनका स्थान बना, जन्मस्था जिनका पाकिस्तान है, तो करवाते हैं उसकी दरगाह के दर्शन। और कक्की घोड़ी के ऊपर जो सलाम जिन्होंने पेश किया अल्लाह ताला वली के फरमाए कहलाए, पीरानी पीर शहनशाह कहलाए, तो उनके ये दर्शन कर सकते हैं भी आप दोस्तों। अगर कोई भी आपके जीवन में कोई भी संकट हो, कोई भी दुविधा हो, कृपया बाबा के चरण में हाजिर लगाए और मनते मांग के अपने जीवन में खुशियाँ पाए। बोल सच्चे दरबार की जय। दर्शन कर सकते इस प्राचीन दरबार के, जो कि यहाँ अल्लाह के वलियों की दरगाह लगती है, और यहाँ पर जीवन में कोई भी कठिनाई होती बाबा के चरणों में सौंप दी जाती है। और यहाँ के जो हमारे गद्दी सिंह बाबा जी अल्लाह के कर्मो कर्मान से रहमत अता फरमा रहे, और उनके कर्म से सबको निगाहें करम की दुआ से
झोली भर रहे हैं बाबा के आशीर्वाद, बहुत सच्चे दरबार की है। तो जो कि हमारे ये श्री सिद्ध बाबा जो कि जिनका नाम श्री जिले सिंह है और हम पोलड़ गांव में बैठे नौ गजा पीर की दरगाह पे, तो भी हम इनसे पूछते हैं इस बाबा की दरगाह के बारे में। यहाँ पर अंग्रेज लोग आए बियाबान बांधते, बाबा जी ने टैंक जाम कर दिए जी बाबा जी, यहाँ टैंक रुके रहे, फिर उन्होंने से बोला कि नांगा बाबा जी आए भी यहाँ पर बहुत बड़े बलिया हैं, यहाँ पर लंगर लगाओ लाइट जलाओ, फिर उनका काम शुरू हो गया। जो पहले टैंक ना जिन्होंने बाबा जी का दरखत का बोर्ड का टक्कर मारी थी वो जाम कर दिया, उसके बाद उसको ले गए उठाकर मशीन से जी बाबा जी, बस यही कृपा बाबा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा और हमारे समाज का और हमारी आने वाली नई पीढ़ी को मार्गदर्शन दिया। तो आपसे बस यही गुजारिश करते बाबा, जो भी वलियों की आपको आशीर्वाद मिला, जो इलम मिला है, उनसे आप सबका भला करते रहे, बहुत सच्चे दरबार है कि तो आपने हमारे साथ दर्शन किए उस प्राचीन दरगाह श्री शहनशाह वली बाबा नौ गजा पीर के। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगते कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ आपकी हरियाणा भ्रमण साइकिल यात्रा जो कि अपनी शान की सवारी साइकिल से, तो एक बार मैं दोस्तों आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, कृपया नशे से बचे, क्योंकि अपने इस बहुमूल्य जीवन को नशे में ना खोकर अपनी माता पिता की सेवा करें, परमात्मा की भक्ति करें और अपने समाज से भी अच्छे कर्म करें। तो दोस्तों आने वाले समय आपका इतना बेहतर होगा, जो आप अभी कर्म करें वो आपको आगे भविष्य में ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव, जय हिंद।